हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी बुक्स। यूथ कंसम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वॉल्यूम वन का। ये बुक्स दो वॉल्यूम में आती है, तो फर्स्ट वॉल्यूम का हम रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट पीएससी ए एग्जाम्स के लिए, इसके अलावा ईएससी, इसरो और गेट और पीएससी के एग्जाम जो होते हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लगभग इसमें 35 से 125 क्वेश्चन है, 260 प्लस पेपर्स का इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, वो सारे 260 हैं। ये मैं अभी आपको अंदर रिव्यू करके दिखाऊंगा कौन कौन से पेपर हैं, किस स्टेट के हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, टोटल 35,125 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वॉल्यूम वन है, मैं वॉल्यूम टू का अभी पिक आपको दिखा दे रहा हूँ। वॉल्यूम टू की पिक ये रहेगी। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, हमारी वॉल्यूम टू आती है, दो वॉल्यूम आती है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में 22,190 क्वेश्चन की दो वॉल्यूम्स आती हैं। अगर आप सिविल से तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक पढ़िएगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रहेगी। और मैकेनिकल वालों की नई बुक जो लॉन्च हुई है उसमें वन टू में 35,125 क्वेश्चन दोनों में मिलाकर आपके रहने वाले हैं। कुछ सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, सब्जेक्ट में नाम आपको बता दूंगा। साथ ही अगर बात करते हैं इस बुक की प्रिंट प्राइस की, तो 795 इसकी प्रिंट प्राइस है। अभी इस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल आपको मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन लिंक जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा, मुझे क्लिक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट whitecitybooks.com या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डायरेक्ट इसे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मंगा सकते हैं, 7518340504 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप एड्रेस भेज दीजिएगा, बुक डायरेक्ट डिस्पैच करा दी जाएगी। इस बुक 1152 पेज की बुक रहने वाली है, 1152 पेजेस की बुक रहने वाली है, जो वॉल्यूम फर्स्ट रहने वाली है। इसके साथ ही साथ हम जल्दी वॉल्यूम टू का भी रिव्यू करने वाले हैं, यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड का मिल जाएगा। और सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, कुछ सिलेबस है एग्जाम्स के वो मैं अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एनालिसिस चार्ट है, पाई चार्ट और बार ग्राफ अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये जो सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं ये वॉल्यूम वन में रहेगा। और सब्जेक्ट टू में आपके थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, फ्लूइड मैकेनिक्स, एचएमटी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टडी वॉल्यूम आपका टू में रहने वाला है। तो वॉल्यूम वन में ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं, वॉल्यूम टू में आपका जो सब्जेक्ट मैंने बताया नीचे वो रहने वाले हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो पहले यहाँ पे आपको यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती आती है, जिसमें दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका होता है जनरल हिंदी का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं 75 नंबर के, और आपके फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 300 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3 नंबर के 300 का होता है। तो फर्स्ट पेपर आपका 375 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का समय होता है। सेकंड पेपर आपका जनरल स्टडीज और मैकेनिकल सेकंड का होता है, जिसमें आपके जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंजीनियरिंग के 300 नंबर, तो टोटल 375 375 750 नंबर का रहता है। और आपका इंटरव्यू जो रहता है 100 नंबर का रहता है, तो टोटल 850 नंबर में आपकी मेरिट बनती है जो आपका सिलेक्शन होता है। सिलेबस यहाँ पर जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज का दिया गया है। मैकेनिकल में जो फर्स्ट पेपर में आपका यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एंड मशीन्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मैकेनिक एंड रोबोटिक्स यहाँ पे आपका रहने वाला है। सेकेंड पेपर में आपके थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, एनर्जी कन्वर्जन, एनवायरमेंटल कंट्रोल, ये आपके सेकेंड पेपर में रहने वाला है मैकेनिकल के। तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आती है उसकी डिटेल रहने वाली है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के पेपर्स यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें सिलेबस है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके अलावा आपके गेट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस रहता है वो सारा पूरा टोटल 4 सेक्शन में रहता है। फर्स्ट सेक्शन आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, सेकेंड सेक्शन आपका अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन का है, थर्ड सेक्शन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस का है, फोर्थ सेक्शन आपका मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये 4 सेक्शन आपके गेट में पूछे जाते हैं। 3 मेन एग्जाम जो आपके होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, यूपीपीएससी, ईएससी और गेट, यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे आपको मिल गया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, यहाँ जो 260 पेपर्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कौन कौन से पेपर रहने वाले हैं और पेपर कहाँ तक के लिए लिए गए हैं। तो सबसे ईएससी का जो पेपर है ये अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ है 18 जुलाई 2021 को हुआ था ईएससी का पेपर, उसके सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके अलावा 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 के आपको यहाँ पे 2017 तक 150 क्वेश्चन है। उसके अलावा 1992 से लेके 2016 तक के आपके सारे पेपर्स लिए गए हैं, उसमें 5400 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं।
ठीक है। तो ये ईएससी के यहाँ पे पेपर समाप्त हो जाते हैं। उसके अलावा सीएससी के आपके 1994 से 2010 तक के 1200 क्वेश्चन है। जेडब्ल्यूएम के आपके रहने वाले 100 क्वेश्चन रहेगा, 2010 के यहाँ 50 और 52 और 16, 2009 के यहाँ से आपके 300 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यूपीएससी इतने पेपर जो करवाई है टोटल, ये पेपर आप टोटल पेपर से लिए गए हैं। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपका जो अभी 2020 में हुआ था पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, इसके अलावा 2016 का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर 400 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। जल निगम की बात करते हैं तो जल निगम ए 2016 का पेपर रहने वाला है। यूपी आर्यूनल की बात करते हैं तो 2021 का जो हुआ था अभी 5 जुलाई को वो भी पेपर इसमें ऐड कर दिया गया है। और यहाँ 2016 के दो पेपर रहने वाले हैं, 2014 का एक पेपर रहने वाला है। तो चार पेपर यहाँ पे यूपी आर्मी की तरफ से रहने वाले हैं। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी आपके 6 पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं, 2013 के दो पेपर, 2012 के, 2007 के, तो 6 पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं। यूजीएनएल के आपको पिटकुल एई और यूजीएनएल एई दो पेपर रहने वाले हैं। असम पीएससी से आपके 4 पेपर मिलेंगे जो अभी 14 मार्च को हुआ था वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा 2020, 2015, 2021 का ये एपी जीसीएल असिस्टेंट मैनेजर का जो पेपर हुआ था वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश पीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2020 के 2 पेपर मिलेंगे और 2019 का एक आपका एपी पीएससी ए स्क्रीनिंग का पेपर मिलने वाला है। 2016 के यहाँ पे 3 पेपर मिलने वाले हैं, मेंस के स्क्रीनिंग दोनों के आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा एपी पीएससी ए सबऑर्डिनेट सर्विसेज 2016 का पेपर मिलेगा, एपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2012 के पेपर है, एपीपीएससी ए सिविल मैकेनिकल 2012, एपीपीएससी ए पेपर थर्ड 2012 के। इसके अलावा एपीपीएससी ए पीएचई 2012 का मिलने वाला है, एपीपीएससी ए इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज 2009, एपीपीएससी ए 2011 आंध्र प्रदेश जनको ए 2012, आंध्र प्रदेश जनको ए 2017 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 पेपर 2018 2021 वाला भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। बीएलईटी का एक पेपर है 2019 का। बीपीएससी की बात करते हैं 2019 के 2 पेपर हैं, 2016 का एक रहेगा, 2015 असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है और 2012 दिसंबर में जो हुआ था उसके आपको यहाँ पे पेपर मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी ए के पेपर आपको 2021 वाला मिल जाएगा जो जनवरी में हुआ था। उसके अलावा 2014 के पेपर आपको ए के मिल जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के, और यहाँ पे आपको 2018 का एक पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड का वो मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2017 का मिल जाएगा। इसके बाद सीजीपीएससी ए 2016 का, पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2015 का, एआरटीओ एंड डीएसआई 2017 का, असिस्टेंट वर्कशॉप का 2016 का पेपर मिल जाएगा जो छत्तीसगढ़ पीएससी का रहने वाला है। कोल इंडिया के 2 पेपर हैं, 2020 का हुआ था जो 27 फरवरी को हुआ और 26 मार्च 2017 को हुआ था, 2 पेपर उसके मिलेंगे। डीआरडीओ का 2 पेपर है, 2009-2008 का पेपर आपको मिल जाएगा। गेट के आपके 1987 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन लिए गए, लगभग 1000 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। जीपीएससी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में कई अलग अलग डिपार्टमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं वो आपको मिल जाएगा। जीपीएससी डीडब्ल्यू, जीपीएससी इंजीनियर क्लास सेकंड प्री, एई ईडब्ल्यू का आपको एआरटीओ के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट का मिल जाएगा, जीपीएससी ए असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉलिटेक्निक लेक्चर का, एआरटीओ का क्लास सेकंड का, और इसके अलावा जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएमबी एडब्ल्यू का भी आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको जीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट का, जीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2016 वाला, जीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2014 का, इसके अलावा जीडब्ल्यू एसएसबी डी डबल ई और जी डब्ल्यू एस एस बी डबल ए ई का आपको 2 पेपर यहाँ पे 2018-2015 के मिल जाएंगे। बड़ोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आपको 2018 का पेपर यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आपका हो गया आपका गुजरात का। इसके बाद हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में आपका पीएचईडी का पेपर फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल जाएगा जो अभी सितंबर में हुआ था। इसके अलावा एचपीएससी सिविल सर्विस 2014 का पेपर भी मिलने वाला है। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 3 पेपर मिलेंगे, तीनों आपके 2021 के हैं, 7 अगस्त के 12 अगस्त के 2 पेपर है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें भी आपके ए के वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के और पॉलिटेक्निक लेक्चरर के, जितने भी पेपर आईटीआई प्रिंसिपल के जितने भी पेपर 2015 ये अभी लेटेस्ट वाला 5 जुलाई का अभी वाला ऐड कर दिया गया, 8 जुलाई को हुआ था वो भी दोनों ऐड कर दिया गया है, 2015 से 2014 जितने पेपर हुए वो ऐड कर दिए गए हैं। इसरो साइंटिस्ट की बात करते हैं तो सारे पेपर यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, 2020 के 2018 के 2017 2016 2015 2013 इसके अलावा 2012-11-10 सभी पेपर आरएसी वाले भी जो हुए हैं वो भी ऐड कर दिए गए हैं। जेपीएससी आपका पेपर जो हुआ था वो सारे पेपर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के 3 पेपर हैं, 2013 का, 2010 के, 2006 के। कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन का 31 जुलाई को जो हुआ था अभी जो 31 जुलाई को हुआ वो भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और इसके अलावा पीएससी ए 2017 का, 2015
के सारे पेपर सेट कर दिए गए हैं। केरला पीएससी के सारे पेपर हैं। आजकल पॉलिटेक्निक लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर वो सारे ऐड कर दिए गए। लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर साइंस टेक्नोलॉजी केरला के 2014 का पेपर है। महाराष्ट्र के आपको 2018 2014 के दोनों पेपर हैं। इसके अलावा डिप्टी इंजीनियर 2013 और एचओडी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के 2014 का पेपर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पीएससी की बात करते हैं तो तीनों पेपर यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। मिजोरम पीएससी के चार पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं, 2019 का है। इसके अलावा तीन पेपर 2014 के हैं। नागालैंड पीएससी सीटीएससी के पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ऐड कर दिया गया। 2018 2017 2016 2015 यहाँ पे ऐड कर दिया गया। इसके अलावा आपका एमकॉन का पेपर आ गया है 2019 का, वो ऐड कर दिया गया है। एनपीसीआईएल 2015 का, एनएलसी गेट सब गेट शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड दोनों पेपर यहाँ पे ऐड कर दिया गया, दोनों एक ही दिन हुए थे। उसके अलावा ओडिशा ओपीएससी एडब्ल्यू पेपर फर्स्ट एंड सेकंड 2019 वाला पेपर फर्स्ट सेकंड 2015 का, इसके बाद सिविल सर्विसेज प्री के 2011 और 2006 के पेपर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो सीनियर ऑफिसर का जो पेपर हुआ था दिसंबर में वो भी ऐड कर दिया गया है। ड्रिलिंग और प्रोडक्शन दोनों 2019 के पेपर है, वो दोनों पेपर ऐड कर दिए गए हैं। पंजाब पीएससी के आपको चार पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा आरपीएससी के जो अभी 13 मार्च को हुए थे दोनों पेपर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में दोनों पेपर ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा आरपीएससी इंस्पेक्टर फैक्ट्री का हुआ था 2020 में और उसके अलावा जो पेपर है वो सारे पेपर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे के सारे पेपर इसमें ऐड कर दिए गए हैं 2015 2014 सबके। एसयूवीएनएल ईटी के आपको दो पेपर मिल जाएंगे। सिक्किम पीएससी के 2001 पेपर मिलेगा 2017 का। तमिलनाडु टीएनपीएससी और टेंडिट को एई 2020 2015 टीएनपीएससी एसी अब 2012 टीएनपीएससी एई 2019 2018 2017 2014 लगभग 2012 तक सारे पेपर इसमें टीआरबी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के भी हैं, टीआरबी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ऐड कर दिया गया है। तेलंगाना पीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैनेजर के जो पोस्ट आई थी, इसके अलावा सिविल मैकेनिकल 2017 के पेपर ऐड कर दिए गए हैं और यहाँ पे 2020 का भी पेपर सारा पेपर ऐड कर दिया गया है। टेंडेट को टीएस जेंटको का पेपर ऐड कर दिया गया है 2015 में जो एई का हुआ था वो। इसके अलावा विजाग स्टील मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर हुआ था एमटी का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो 24 जनवरी को हुआ था ये भी लेटेस्ट पेपर है, ऐड कर दिया गया है। विजाग स्टील एमटी का 14 दिसंबर को हुआ था 2020 में, वो ऐड कर दिया गया है। और जो पेपर हुए हैं री एग्जाम का भी पेपर ऐड कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो डब्ल्यूपीएससी ए 2017 2012 2008 2007 2003 तो टोटल 2260 पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं। पेपर हर स्टेट वाइज मैंने आपको डिपार्टमेंट वाइज सारी चीजें यहाँ पे दिखा दी हैं। 260 पेपर में लगभग 35125 क्वेश्चन हुए हैं। अब उनको क्या किया है हमने सब्जेक्ट वाइज इंक्लूड किया है। सब्जेक्ट वाइज इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बता दे रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 807 क्वेश्चन है, इंस्टेंट ऑफ मटेरियल से 1590 है, थ्योरी ऑफ मशीन से आपको 1411 है, मशीन डिजाइन से आपको 701 क्वेश्चन है, मटेरियल साइंस से 1022 है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से 2652 है, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स से 127 क्वेश्चन है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से 29 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन हो गए आपका कि कैसे किस एग्जाम से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं और किस प्रकार सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं पहला आपका चैप्टर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, पहला टॉपिक आपका रहने वाला है फोर्सेस एंड फोर्सेस सिस्टम। ये क्वेश्चन आपका असम पीएससी ए 2021 में जो हुआ था 14 मार्च को उसमें पूछा गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में आपको 2019 का पेपर हुआ था उसमें, केपीसीएल ए 2016 में, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज में 2014 में, चार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जीपीएससी में 19 जनवरी 2020 में हुआ था, एसपीपीएससी ए 2018 का है, एपीपीएससी ए सबऑर्डिनेट सर्विसेज 2016 का, एपीपीएससी ए मेंस 2016, असम पीएससी 2015, सिविल सर्विस एग्जाम प्री 1998। तो यहाँ पे छह पेपर्स में यही क्वेश्चन पूछा गया है, चार पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ये पेपर भी आपको तीन में क्वेश्चन पूछा गया है, चार में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बाद उसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बाद किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑलरेडी छह बार आ चुका है तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका एक्सप्लेन भी नीचे ही दे दिया गया है, पैराग्राम ला ऑफ फोर्सेस का यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट है, क्वेश्चन है ऑप्शन है यहाँ पे डिटेल के साथ बता दिया किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के डिटेल के साथ आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है असम पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2020 वाले में, टीएनपीएससी 2018 का, जेबीएनएल एडब्ल्यू 2017, जम्मू कश्मीर पीएससी सर्विसेज 2013, विजाग स्टील 2011, डब्ल्यूपीएससी 2003, छत्तीसगढ़ पीएससी आपका ये रहने वाला है 2014 का। तो यहाँ पे सात बार ये क्वेश्चन पूछा गया है टोटल,
यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे सोल्यूशन इसको दिया गया है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या रहने वाला है। इसरो के यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए, जो पेपर्स मैंने आपको बताया सारे पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और लगभग 1152 पेजेस की बुक रहने वाली, 1152 क्वेश्चन पेपर पेजेस की बुक रहने वाली है, लगभग 35125 क्वेश्चन टोटल जो लिए गए हैं उनमें से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन पेपर की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को वेल डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ पे जरूरत पड़ी है फिगर्स वगैरह दिखा दिए गए हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, और हर एक टॉपिक्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया गया। ये भी क्वेश्चन लगभग 8-9 एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये 10 बार पूछा जा चुका है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है इंपॉर्टेंट कौन सा रहने वाला है, जब आप लगाते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में क्यों पूछा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां सब्जेक्ट आपका मेंटल ज्वाइनिंग प्रोसेस है, यहाँ भी वही सेम चीजें हैं, क्वेश्चन है, उसके बाद सारा डिटेल दिया गया है। ये एसपीसीएल इंजीनियरिंग 12 अगस्त 2021 को पूछा गया था, डब्ल्यूपीएससी 2017 में, आपका GWSSB DEE में 2016 में, नागालैंड PSC में आपको 2016 में, GPSC 2015 में, GWSSB AAE 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और काफी अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। लगभग आपको मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, 1152 पेजेस में सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, हर एक चैप्टर का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट देखिए, हर एक पेज में आपको फिगर मिलने वाला है, जहां पे जरूरत पड़ी फिगर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए वहां पे दे दिया गया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके हर एक चीज। और जल्दी हम वॉल्यूम 2 का भी रिव्यू करने वाले हैं, जिनको परचेज करनी है व्हाट्सएप पर संपर्क करके या लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट ये बुक परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इसे परचेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है, और जल्दी ही हम वॉल्यूम 2 का भी रिव्यू लेकर आने वाले हैं, जैसे ही बुक प्रिंट होती है वैसे ही हम बुक रिव्यू लेकर आएंगे। थैंक यू गाइज़।